सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवांश व्लॉग्स में। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ संगम के परेड मैदान में और यहाँ पे चल रही है माघ मेला की प्रिपरेशन, जो कि माघ मेला इस बार 54 दिन का होने वाला है। खिचड़ी से स्टार्ट होकर के महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला, और यहाँ पे चल रही है माघ मेले की तैयारियाँ, जैसे जो पीपापुन बनता है और जो चाकट नेट्स बिछाई जाती हैं संगम में, मतलब रेत के ऊपर, तो उसकी यहाँ प्रिपरेशन चल रही है। कैसे बनाया जा रहा है ये है, मतलब पहले इस तरह आधा काट काट के बनाया जाता है, फिर इस तरह फाइनल इस तरह बन जाता है, और इसके ऊपर प्लेट्स बिछा करके फिर एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ा जाता है, फिर लोग आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। और इस बार शायद पूरे 6 पीपापुन बनने वाले हैं प्रयागराज में, मतलब झूंसी साइड ज़्यादा बनता है, फिर नैनी होनी साइड, और कुछ लगता है कुछ कुछ बन भी चुके हैं, बन भी चुके हैं, देखे नहीं अभी आगे गए। हाँ, और ये सब, ये जो इतनी बड़ी ट्रक देख रहे हैं ना, मतलब इसी के ऊपर पीपा रख करके मतलब वहाँ तक जाया जाता है, जहाँ पे बन रहा है पुल, और वहीं पे फिर इसको ज्वाइन करके इसके ऊपर प्लेट्स बिछाई। एक हिसाब से बहुत बड़ा काम, मतलब बहुत बड़ा ये फंक्शन टाइप का होता है, बहुत बड़ा जो भी होता है। हाँ। क्योंकि पीपा पुल को बनाना है इज़ दैट नॉट ईजी, कि मतलब इतना बड़ा पुल कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। मतलब प्रयागराज में माघ मेला एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अभी 2025 में महाकुंभ भी लगने वाला है, जो कि 12 सालों में एक बार आता है। 2025 में महाकुंभ होने वाला है, तो मतलब उसके पहले हुआ था 2013 में, तो एक तरीके से उसमें जो जो प्रिपरेशन होगी वो उसकी थोड़ी सी झलक आपको इसमें दिख सकती है। मतलब अगले के अगले साल होने वाला है, और 2024 में तो माघ मेला स्टार्ट हो ही जाएगा, तो ऐसा ही कुछ है। चलिए आपको दिखाते हैं माघ मेला के मद्देनज़र क्या क्या प्रयागराज में प्रिपरेशन हो रही है। वैसे ये देखिए, ऐसे ये लोड होता है, मतलब बन के वहाँ पे रखा था, क्रेन आई, क्रेन ने उसको पकड़ा, फिर ये उठाया और यहाँ पे आ करके इस पर लोड होकर के फिर जाएगा ये संगम में, जहाँ पे इसको पुन बनाना है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज, वो है झूसी वाला पुन, जो कि इलाहाबाद से वो सीधे झूसी पे जोड़ता है, और यहाँ पे बन चुका है पांटून पुल। जैसे मैंने आपको बताया था पीपा का बनता है, ये पीपा है जो कि वहाँ पे बन रहा था, और उसी के ऊपर ये लकड़ी से बिछा दिया गया है। अब इसके ऊपर चाकर प्लेट्स बिछाई जाएंगी, जो कि लोहे की होती हैं, वो हार्ड होती हैं, ये तो लकड़ी का है पूरा, तो फिर इसके ऊपर से लोग जाएंगे। अब ये आधा बन चुका है, आधा उस साइड से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लाना वैसे अलाउ था नहीं, लेके आ गए मौके की तलाश। और यहाँ पर हो गया है सनसेट एकदम बढ़िया वाला, ये आप देख रहे हैं। एक वो बन चुका है, एक ये अभी तक संगम में सिर्फ दो ही नहीं, तीन बन चुके हैं, एक इसके ही पीछे एक है, अगर आप लोगों को शायद दिख रहा हो तो, इसके ये जो है इसके जस्ट एक पीछे एक और है, फिर एक ये है और एक ये जिस पे हम लोग खड़े हैं। तो चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे और क्या तैयारियाँ हो रही हैं। अब तो मुझे लगता है आगे वही घाट उट टाइप का है ये, तो वहाँ पर जहाँ पर गंगा आरती होती है, फिर आगे चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर के जस्ट सामने, और ये रोड पहले बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, अब देखिए रोड का समतलीकरण करके कितना इसे फ्लैट कर दिया गया, अभी मिट्टी है यहाँ पे, अब यहाँ पे चाकट प्लेट्स बिछा दी जाएंगी, जस्ट लाइक वो वहाँ पे बिछी हुई है, तो इससे क्या होगा ना, मतलब मिट्टी में जैसे गाड़ियाँ फंस जाती हैं वो सही आएंगी, और यहाँ पर खंभे वम्बे भी गाड़ दिए गए, मतलब कितनी चौड़ी रोड बना दी गई है इस बार, और खंभे भी गाड़ दिए गए हैं लाइट्स लगाने के लिए, और बाकी काम तो चल ही रहा है। ये देखिए यहाँ पर रात दिन काम करते रहते हैं सब, और ये रात दिन रील्स बनाते रहते हैं। कैसा लगता है भाई इस बार का कुंभ कैसा होने वाला है? इस बार का कुंभ थोड़ा और अपग्रेडेड लेवल का होगा हर बार के कुंभ के, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि एक तरीके से 2025 में जो महाकुंभ लगने वाला है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि 12 साल में एक बार लगता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी। 2013 में लगा था, 2013 में यहाँ पे था भी नहीं, मैं उस समय बाहर था नहीं, लेकिन अब जो 2025 का होगा इसे कवर किया जाएगा अगर मैं इलाहाबाद में रहा तो। लेकिन माघ मेला आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगा। हम लोग आ चुके हैं संगम घाट पे, संगम घाट या फिर यमुना जी का घाट कह लीजिए, और यहाँ पे ये जो आपका पूरा बन रहा है ये बन रहा है पक्का घाट, सीढ़ियों के रूप में बनेगा, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ जैसे भी है यहाँ तक पूरी सीढ़ी रहेंगी, और ये पूरा कार्य हो रहा है, ये लाइकली 2024 के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ से पूछा था दो एक लोगों से जो बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि 2024 के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह है यहाँ पे पूरा। सो गाइस, मैंने लोगों से पूछा तो अभी ये लोग बताए हैं कि 18 लाख रुपए की लागत से ये पक्का घाट बन रहा है,
और पूरे प्रयागराज में दो पब के घाट बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है मतलब एक यहाँ पे बन रहा है यमुना घाट पे, और एक दशाश्वमेध घाट जो कि दारागंज में स्थित है नागवासुकी मंदिर के पास, वहाँ पे पक्का घाट बन रहा है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब पक्का घाट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी थी तो कटान इतनी ज़्यादा रहती थी ना कि लोग फिसल के चले जाते थे। तो ये है ना कि मतलब इससे थोड़ा सही हो जाएगा, एक नया रूप देखने को मिलेगा, और हनुमान मंदिर जो बंधवा स्थित हनुमान मंदिर था उनका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। हाँ, सौंदर्यीकरण अगर हम लोग को जाने को मिला तो वहाँ पे अगर गए, क्योंकि भीड़ तो आज होगी, शायद संडे है। तो अगर वहाँ भीड़ नहीं हुई तो मैं दिखाऊंगा, वहाँ पूरा मैप बना के लगाया गया है कैसा हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा। और दशाश्वमेध घाट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी इस तरह बन रहा है जो नागवासुकी मंदिर के पास है। हाँ, संगम हो गया, ठंड बहुत तेज बढ़ गई भाई, बहुत तेज ठंड यहाँ बढ़ गई है। गाड़ी से आप चल रहे, आप कहाँ चल रहे हो भाई? नो मैंस लैंड ये कहाँ है? चलिए आपको दिखाते हैं प्रयागराज का नो मैंस लैंड। तो गाइस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया प्रयागराज में जो माघ मेला की प्रिपरेशन हो रही है, जैसे पांटून पुन बन रहे हैं, पक्के घाट बन रहे हैं, और जो लाइटिंग्स लगाई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि वीडियो अब नहीं आएंगी, मतलब फिर इंटर बहुत ही एक महीने के बाद इंटर वन बाद आएंगी, वीडियो अब रेगुलर आएंगी, क्योंकि अब देखिए ओकेजन भी इतने आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर है, और इतना जो माघ मेला भी अभी स्टार्ट होने वाला, तो अब हो सकता है आपको वीडियो रेगुलर अब देखने को मिल जाए। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो पहली बार आया चैनल विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग पे।